हाई एवरी वन वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉटेंट डेरीवेशन फॉर एच एस सी बोर्ड एग्जाम तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली विच आर रिलेटेड टू द डेरीवेशंस तो चलिए देखते हैं सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ रोटेशनल डायनमिक्स अब रोटेशनल डायनमिक्स जो चैप्टर है बेसिकली इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है सेवन मार्क्स का वेटेज है तो इससे एक डेरीवेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं और इसमें नंबर ऑफ़ डेरीवेशन भी थोड़े ज़्यादा हैं तो लेट अस सी के इसमें से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए तो सबसे पहला डेरिवेशन है दैट इज़ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ क्रॉनिकल पेंडुलम तो टाइम पीरियड ऑफ़ क्रॉनिकल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पेज नंबर एट में मिल जाएगा जहाँ पर आप टाइम पीरियड ऑफ़ क्रॉनिकल पेंडुलम का एक फॉर्मूला डिराइव करते हो टी इज़ इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एलकोस्थिटापोन जी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी यहाँ पर आपको बताना है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती हो तो उसमें लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा तो इसका आप फॉर्मूला डिराइव करते हो पेज नंबर सेवनटीन और इसका आंसर आपको मिलता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट एंड प्रूव द प्रिसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंग्लर मोमेंटम ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरीवेशन में से है तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जब भी कोई बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसका नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है यानी यहाँ पर आपको प्रूव करना है एल बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो इसका आंसर आपको पेज नंबर एटीन में ही मिल जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज़ डिराइव एन एक्सप्रोशन फॉर द टोटल कानीटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रही होती है तो उसकी जो टोटल कानेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो टोटल कानेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ ट्रांजेशनल एनर्जी प्लस सम ऑफ़ रोटेशनल एनर्जी तो यहाँ पर आप एक फार्मूला डिराइव करते हो ऑन पेज नंबर नाइनटीन जहाँ पर आपको कानेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी का फॉर्मूला मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर अस सी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन तो बेसिकली टू मार्क्स टाइप का डेरिवेशन है थ्री मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है मोस्टली डेरीवेशन आपको यहां पर जितने भी गिवन है दैट इज रिलेटेड टू टू मार्क्स थ्री मार्क्स एज वेल एज फोर मार्क्स तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन surface टेंशन एंड surface एनर्जी तो इसका आंसर आपको पेज नंबर थर्टी सिक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आप एक फॉर्मूला डिराइव करते हो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी एन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द लैपलस लॉफ स्फेरिकल मेमब्रेन और ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर एक्स एक्सप्रेशन इन साइड ए लिक्विड ड्रॉप मैंने यहाँ पर दोनों तरीके लिखे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आपको बताना है excess pressure इन साइड अ लिक्विड ड्रॉप तो इसका आंसर आपको पेज नंबर फोर्टी वन में मिल जाएगा जहाँ पर हम एक फॉमूला डिराइव करते हैं पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू टू टी अपॉन आर और याद रखना कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो सोप बबल या सोप ड्रॉप तो उसके केस में आपको फॉर्मूला डिराइव करना है पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू फोर टी अपॉन आर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और फॉल यूजिंग फोर्सेज मेथड तो यहाँ पर आप देखो ऑन पेज नंबर फोर्टी थ्री तो वहाँ पर बेसिकली दो मेथड गिवन है रिलेटेड टू कैपिलरी राइज एंड फॉल जहाँ पर हम एक फॉमुला डिराइव करते हैं एच इज इक्वल टू टू टी कॉस्थिटाफॉन आर रो जी अब वो डेरिवेशन दोनों में से किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड और बाय यूजिंग फोर्सेस मेथड बट इन दोनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है फोर्सेस मेथड तो अगर आपको इंडिविजुअली पूछा है तो फिर आपको उसी मेथड से एक्सप्लेन करना होगा अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप फिर किसी भी मेथड से उसको प्रूफ कर सकते हो नाउ लेट अस सी चैप्टर नंबर थ्री तो सबसे पहला क्वेश्चन है सो दैट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ़ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ़ द गैस तो अगर आप देखोगे पेज नंबर फिफ्टी नाइन सिक्सटी में तो वहाँ पर आपको वी आर एम एस वी आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसका आपको एक फॉमूला डिराइव करके मिलेगा दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री आर टी अपन एम नॉट और आपको पता है आर और एम नॉट जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हम वहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू एब्सोलूट टेम्परेचर दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू एब्सोलूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इट इज़ नॉट रूट टी इट इज नॉर्मल टी ओके तो यहाँ पर आपको बताना है दैट एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर सिक्सटी में मिल जाएगा जहाँ पर पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं एनर्जी का ईज इक्वल टू थ्री बाई टू पी वी जिसे हम रिप्लेस करके पी वी को एंड के वी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन और टू ये दोनों का जो आंसर है वो आप प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो देट फॉर द मोनो एटोमिक गैस द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट इज़ फाइव इज टू थ्री एंड फॉर डाइटोमिकैस सेवन इज टू फ़ाइव तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि मोनो ऑटोमिक एंड डाएटोमिक गैस का यूज़ करते हुए स्पेसिफिक हीट की रेशियो की वैल्यू डिफाइन करनी है यानी यहाँ पर आपको सी पी और सी वी की वैल्यू ढूँढना है और हमें पता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट को हम ग्यामा से डिनोट करते हैं और गैमा का फॉर्मूला होता है सी पी बाई सी वी तो वहाँ पर आपको ऑन पेज नंबर सिक्सटी थ्री एंड सिक्सटी फोर मोनाटोमिक एंड डायटोमिक दोनों मिल जाएगा अब याद यह रखना है कि जो डायटोमिक है उसमें दो पार्ट्स हैं एक है रिजिड और एक है नॉन रिजिड तो रिजिड में जो हमें ग्यामा की वैल्यू मिलती है दैट इज़ सेवन बाई फाइव और नॉन रिजिड में मिलती है नाइन बाई सेवन तो उसमें क्लियरली देख लेना कि कोई रिजिड या नॉन रिजिड की तो बात नहीं है क्वेश्चन में देन लेट अस सी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर विच इज़ कॉल्ड थर्मो थर्मोडाइनमिक्स में बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दैट इज द फर्स्ट इज एक्सप्लेन थर्मो ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस तो यहाँ पर आपको थर्मोडाइनमिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन डिराइव करके हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका आंसर मिलता है क्यू इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो इसका आंसर आपको पेज नंबर नाइन्टी में मिल जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोबैरिक में प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज ऑन पेज नंबर नाइन्टी वन दैट हीट एनर्जी क्यू इज़ इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक ऑफ एडिया प्रोसेस थर्मोडानेमिक ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे कि हमें पता है एटियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट एक्सचेंज जीरो होता है तो यहाँ पर आप क्यू की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते हो बल्कि यहाँ पर आप वर्क डन निकालते हो जिसका आपको आंसर मिलता है वन अपॉन वन माइनस गैमा इन द ब्रैकेट पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई तो इसका आंसर आपको पेज नंबर नाइन्टी टू में ही मिल जाएगा नवलेटर सी चैप्टर नंबर फाइव अगर हम चैप्टर नंबर फाइव की बात करें तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर डेरिवेशन से रिलेटेड ही है तो इसमें सबसे पहला जो डेरिवेशन है जो कई बार एग्जाम में आया है दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसेचम यानी यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है और लीनियर एसेचम का इक्वेशन डिराइव करना है विच इज़ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन हंड्रेड इलेवन टू वन हंड्रेड ट्वेल्व में मिल जाएगा दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर कॉनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस क्वेश्चन को कई डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड कानीटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी तो कानीटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप डिराइव करते हो हाफ के इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का आप फॉर्मूला डिराइव करते हो हाफ के एक्स स्क्वायर और इसी कॉम्बिनेशन से हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हाफ के ए स्क्वायर अब यहाँ पर इसी डेरिवेशन को वो एज अ डायरेक्टली प्रूफ या इनवर्सली प्रूफ के तरीके से पूछ सकते हैं तो आपको हर तरीके से इसका आंसर देना आना चाहिए तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी वन में मिल जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज़ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ द कम्पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स हैविंग द सेम पीरियड एंड अलॉन्ग द सेम पाथ तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 119 टू 120 में मिल जाएगा जहां पर आप रिजल्टेड एम्पलीट्यूड बिकॉज ऑफ टू एस का एक फॉमूला डिराइव करते हो ए इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का यहाँ पर आपको फॉर्मुला डिराइव करना है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री में मिल जाएगा देन हम लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी सिक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करते हो टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी वहाँ पर याद रखना म्यू का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आप म्यू की जगह पर इसे स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी सिक्स में मिल जाएगा सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरीवेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर वन टू चैप्टर नंबर फाइव